राजस्थान में मानसून के पहले चरण ने सूबे को बारिश से सराबोर कर दिया। राजस्थान में 1 जून से 18 अगस्त तक औसत बरसात 396.5 mm तक हो चुकी है, पर अब तक पानी का संकट पैदा हो रहा है। राजस्थान में बीते 15 दिन से मानसून पर ब्रेक है, जिस वजह से बारिश का दौर थम गया है। इसका सीधा असर जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी की लाइफ लाइन बिसलपुर बांध पर सीधा दिख रहा है। बिसलपुर बांध के जल स्तर में प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर की कमी दर्ज हो रही है। 20 जून के बाद प्रदेश में मानसून सक्रिय हुआ और बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके बाद बांध में पानी की आवक शुरू हुई और जलस्तर 312.78 RL मीटर से बढ़ना शुरू हुआ। प्रतिदिन औसतन 2 से 3 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। 4 अगस्त तक बांध का जलस्तर 314.1 RL मीटर से पार निकल गया। जयपुर समेत तीनों जिलों के लिए जितने पानी की जरूरत थी उतनी आवक होती रही और बांध का जलस्तर 314 RL मीटर पर स्थिर रहा। जल संसाधन विभाग के अफसर बेचैन, 14 अगस्त से बिसलपुर बांध का जलस्तर प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है और शनिवार तक 5 दिन में 5 सेंटीमीटर घट गया। यह देखकर जल संसाधन विभाग के अफसर बेचैन हो गए और इसका उपाय करने में जुट गए, पर इसका तो सबसे बड़ा उपाय बारिश है। तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब मानसून के दूसरे चरण के सक्रिय होने का इंतजार है, जिससे बांध का जल स्तर फिर से बढ़ सके। राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय। वैसे मौसम केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार मानसून राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज से राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी, तो संभव है कि बिसलपुर बांध की पानी की समस्याएं दूर हो जाएं।